हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डोंट अ डॉक्टर वंस अगेन। होप एवरीथिंग इज फाइन एट योर एंड। तो एक क्वेश्चन बहुत आ रहा था, पहले तो थोड़ी माफ़ी चाहूँगा, काफ़ी दिनों बाद वीडियो आ रहा है, मैं थोड़ा बिजी था। और अब आज एक क्वेरी बहुत ज़्यादा आ रही है कि हम कौन सा ऐसा ड्रोन है जो हम आराम से उड़ा सकते हैं और इसके लिए झंझटों में नहीं पड़ना चाहिए कि या हम मैक्रो कैटेगरी में जाएँ या नैनो कैटेगरी में जाएँ। तो इसी में मैं इसी का आंसर करूँगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इसको लेने, जो भी अगर ड्रोन लेने वाला है बंदा, ड्रोन लेने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख लें कि आपको कौन सा कैटेगरी का ड्रोन लेना है अगर आप एक कैजुअल फ्लायर हैं और एक अच्छी फुटेज चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, अगर आप एक ड्रोन ले रहे हैं सिर्फ हॉबी पर्पज़ के लिए, या आप एक यूट्यूबर हैं, आपको एक ड्रोन शॉट्स, लॉन्ग शॉट्स ऊपर से चाहिए उसके लिए आप ले रहे हैं, आप एक घूमने का आप शौक़ रखते हैं, साइट सीन करते हैं, इधर उधर घूमने जाते हैं, वहाँ पर ड्रोन फुटेज लेना चाहते हैं, इन सब में सब आपके अगर टिक होते हैं तब आपको कभी भी माइक्रो कैटेगरी में नहीं जाना चाहिए अगर आप बिना किसी प्रॉब्लम के ड्रोन उड़ाना चाहते हैं। रीज़न बीइंग, माइक्रो कैटेगरी में एंटर करने पर आपको रजिस्ट्रेशन के झंझटों में पड़ना पड़ता है, और नैनो कैटेगरी इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि आज के डेट में मिनी 3 जो आया है, लेटेस्ट ड्रोन फ्रॉम द DJI विच इज़ इन द नैनो कैटेगरी, दैट इज़, मैं आपको बताऊं, उससे ऊपर कोई चीज़ है ही नहीं अगर आप एक कैजुअल फ्लायर हैं, क्योंकि आपको 4K फुटेज वो दे रहा है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, कॉम्पैक्ट बहुत है, नैनो कैटेगरी के अंदर है, नो नीड फॉर रजिस्ट्रेशन। कोई पूछता है आप बोलो टॉय है, लगता ही टॉय है, वो छोटा इतना, और छोटा है इसका मतलब ये नहीं कि आपको फुटेज अच्छा नहीं देगा, फुटेज वो ज़बरदस्त दे रहा है। ठीक है, तो वो कहते हैं ना छोटा बॉम्ब बड़ा दिमाग का, वो चीज़ है वो। अब इस कैटेगरी से अगर आपने ऊपर तब उठना है, माइक्रो कैटेगरी जब तब जाना है इफ़ यू आर हाईली प्रोफेशनल, आपको बहुत ज़बरदस्त तरह की फुटेज विद ऑल दैट बिट्स, बिट रेट्स एंड ऑल दैट, उसमें मतलब एक प्रोफेशनल लेवल अगर आप जाते हो तो वो एज़ कम्पेयर टू जनरल पब्लिक, जनरल कंज्यूमर्स बहुत कम है। अगर 100 लोग ड्रोन लेने वाले हैं तो 80% वही हैं जो यूट्यूबर्स हैं या फिर या जो नॉर्मल हैं, इवन वेडिंग फोटोग्राफर्स को भी मैं इसी में लूँगा कि उनको भी ज़्यादा झंझटों में नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि उसके लिए 100 माइक्रो कैटेगरी के 100 लोचे हैं, एक तो रजिस्ट्रेशन कराओ, उसके बाद हर जगह पर उसका वो चक्कर है, दे आर मैनी, आप उन चक्करों में गुम रहोगे, डरे रहोगे, उड़ाएँ ना उड़ाएँ, तो इन चक्करों में पड़ रहोगे, इतना पैसा खर्च कर लोगे और आपके पास वो ड्रोन बस वहीं पड़ा रहेगा और आप सोचते रहोगे इसको उड़ाया जाए ना उड़ाया जाए, इसको वहाँ ले जाया जाए ना ले जाया जाए। तो इससे अच्छा बेस्ट ऑप्शन है कि थोड़ा कम पैसे लगाकर मिनी 3 लीजिए। ऑफ कोर्स बाहर से तो यहाँ महंगा मिलेगा, बट कंपेयर टू अदर माइक्रो मॉडल्स मिनी 3 प्रो सस्ता पड़ेगा और आपको फ़ायदे पूरे करवा देगा, और आपको एक बार भी सोचना नहीं पड़ेगा कि इसको मैं वहाँ ले जाऊँ, प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। बस एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें, पब्लिक प्लेस पर अगर उड़ा रहे हैं तो बी रिस्पॉन्सिबल, अगर आपको नहीं उड़ाना आता तो मत उड़ाएं, और काफ़ी ज़्यादा पब्लिक है तो, और एक कोई इवेंट आप कवर कर रहे हैं जिसमें काफ़ी पुलिस वगैरह वहाँ पर है, इस तरह का कुछ इवेंट है तो पहले पूरी तफ्तीश करके ही वहाँ लेकर जाएं। बाकी अगर आप साइट सीन कर रहे हो, कहीं पहाड़ों पर जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो माइक्रो कैटेगरी का ड्रोन जो है DJI मिनी 3 प्रो की बात कर रहा हूँ, मिनी 2 में लिमिट कम है, मिनी 3 में कोई लिमिट अभी 120 मीटर तक जाता है, तो दैट इज़ इनफ, उससे ज़्यादा हमें उसको लेके भी नहीं जाना चाहिए, और उससे उस लेवल की जो फुटेज है उस पर बहुत अच्छा जो शॉट्स हमें चाहिए होते हैं वो आ जाते हैं, तो और कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है उसकी। तो मेरे हिसाब से अगर आप सोच रहे हो कौन सा ड्रोन लिया जाए और इनमें से आप जो भी हैं, तो आई विल रिकमेंड गो फॉर नैनो कैटेगरी, आपको ये जो रेगुलेशन के चक्करों में नहीं पड़ना पड़ेगा और फ्रीली आप उसको उड़ा पाओगे और कहीं भी ले जा पाओगे। और ऑन द अदर हैंड, अगर आप उन 10-20% में आते हैं जो कि हाईली प्रोफेशनल हैं, जिनको काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, एक्सपेक्टेशन है फुटेज से, और काफ़ी ज़्यादा उनको रिक्वायरमेंट्स हैं, तो ये कैटेगरी आती है जो हाईली वीडियोस बनाते हैं और हाई लेवल की फ़ीचर मूवीज़ एंड ऑल दैट, उस रिक्वायरमेंट के लिए देन गो फॉर माइक्रो कैटेगरी, अदरवाइज स्टिक टू मिनी 3 प्रो। आई थिंक मैंने आपका क्लियर कर दिया ये क्वेश्चन जो बहुत पूछा जा रहा था। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ज़रूर बने रहें चैनल के साथ ऐसे, और अभी कोई अपडेट आएगी रेगुलेशन की, अभी फ़िलहाल कोई आई नहीं इसलिए मैं बना नहीं रहा था, तो नाउ विल बी रेगुलर ऑन दिस चैनल, तो बने रहें वीडियो के साथ। थैंक यू।